सरगुजा रवाना होने से पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर में बड़ा बयान दिया। ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि राज्य में 65 एकड़ जमीन चिन्हित कर काम किया जा रहा है, जिसमें मेला स्थल विकसित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर उन्होंने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर बोलते हुए कहा कि 15 सालों तक अगर बीजेपी सड़क बनाना चाहती तो हमारे लिए कोई काम नहीं बचता। रायगढ़ तरफ की सड़कों के लिए बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। बीजेपी के सवालों पर कहा कि आखिर ये लोग क्यों नहीं कर पाए, बीजेपी ने काम नहीं किया और दोष हमारे ऊपर मढ़ा जा रहा है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार किया। कांग्रेस की सरकार 4 साल होने के बावजूद पिछली सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, लेकिन इन 4 वर्षों में 1.5 साल कोरोना काल में पूरा का काम बंद, 2.5 साल का काम है। 4-5 सड़क जो उधर का है रायगढ़ बेल्ट का, 200-300-150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये लोगों ने कुछ काम किया ही नहीं। अब हम लोग उसके लिए राशि स्वीकृत कर दिए, टेंडर कर दिए, काम के समय शुरू होने में समय लगता है, ये लोग क्यों नहीं किए, ये प्रश्न चिन्ह होता है जो आज हमसे प्रश्न करते हैं। 15 साल में आखिरी साल भी अगर ये किए होते तो 5 साल बाद रुपया की जरूरत। जिस सरकार को 4 वर्ष पूर्ण हो गए उसके बाद भी वो पिछली सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास करे, तो जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार नहीं, अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली सरकार है। भाजपा ने सड़कें कितनी बनाई है सबको पता है। जो सड़कें भाजपा ने बनाई उसी पे ही कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां सायरन के साथ चल रही हैं, तेज गति से चल रही हैं।